हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर गेम है और इस गेम में हमें एक टॉय फैक्ट्री के अंदर से एस्केप करने वाले हैं अपना पूरा दिमाग लगा के। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम चैप्टर 1 जो कि गेम है चालू करेंगे। या चुका इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और ये गेम मैं अपने मोबाइल में खेल रहा हूँ। तो इस इंट्रो पार्ट में हम बता जाएंगे पॉपी प्लेग, मतलब पॉपी नाम के डॉल है जो कि पूरी की पूरी इंसान की जैसी है, जैसे कि एनाबेल डॉल, वैसी सेम इस गेम में एक डॉल है जो कि बहुत सारे टॉयज को अपने कंट्रोल में करती है। तो उसी के बारे में पूरा इंट्रो है और ये उस डॉल को बनाने वाले के मालिक है। तो दोस्तों, ये है वो डॉल, इसका नाम है पॉपी। और ये पॉपी के बारे में आप देखोगे ना, इसके बहुत सारे नखरे हैं, इसके गले पे चाबी लगी हुई है जिसे खींचने से ये आवाज करती है, इसके खुद के पर्सनल शूज, इसको मतलब पूरी इंसान जैसी भाई, इसके अंदर सारे नखरे इंसानों वाले, इसके असली नखरी मतलब असली लड़की वाले नखरे हैं पूरे इस डॉल के। मेकअप करना पसंद है, कंघी करो बाल, मतलब बालों को कंघी करना, बाल बनाना, शू पॉलिश, इसको फूल भी बहुत पसंद है। पर दोस्तों, इसके भोली शक्ल पे मत जाओ क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डॉल है, एकदम एनाबेल डॉल जैसी। ये इनके मालिक से पूछती है टाइम क्या हो रहा है, क्या है, मतलब सब खाना पीना सब यही देखती है खुद का। ये बहुत ही बड़ा टॉय फैक्ट्री के अंदर बनती है डॉल, और इस डॉल के जो मतलब ऑनर है उनकी बहुत बड़ी टॉय फैक्ट्री है। और ये गेम पूरी फैक्ट्री के ऊपर ही बनी हुई है पूरी की पूरी। देखो दोस्तों, ये पूरी टॉय है इस तरीके, मतलब टॉय फैक्ट्री है असल में। और हमें इसी, ये है आपका एग्जिट गेट दोस्तों। हम इस गेम को मतलब प्ले, क्या बोलते हैं इसको, टॉय का फैक्ट्री से हम एस्केप करने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधा पॉपी प्ले टाइम के अंदर। यहाँ पे आ चुका है फाइंड द फ्लावर, कुछ तो लिखा हुआ है इसके ऊपर। एवरीवन थिंक्स द स्टाफ डिसअपीयर्ड 10 years अगो, वर स्टिल हियर, फाइंड द फ्लावर। तो दोस्तों, हमें इस गेम में ये फ्लावर ढूंढना है। जैसे कि आपने देखा था गेम पे बहुत बड़ा डोर बना होता है जिसके यहाँ पे फ्लावर बना होता है, हमें वहां से ही एस्केप करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा छा गया हमारी आंखों के सामने। हम अक्सल में हम एक स्टाफ हैं यहाँ के। यहाँ आ चुका है पॉपी प्ले टाइम। तो हम इस रूम के अंदर देखते, ढूंढते चलो दोस्तों क्या मिलेगा हम इस गेम के अंदर। थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ यार, मतलब थोड़ा ग्राफिक्स कम लग रहा है मुझे, हाई पे कर देता हूँ सारे ग्राफिक्स ताकि खेलने में और मज़ा आए। यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स की सेटिंग बढ़ा दी है। तो दोस्तों देखो, बहुत ही ज़्यादा भूतिया बंगला है। यहाँ पे हमें बहुत सारे क्लू ढूंढने पड़ेंगे। पहले देखता हूँ चल के, यहाँ पे ये डिस्क पड़ा, कुछ तो हरा हरा पड़ा हुआ है दोस्तों टेबल के ऊपर, जाके देखते क्या है। हमें कैसेट मिली है यहाँ पे, टीवी है शायद, ये कैसेट यहीं पे लगती होगी, जाके देखते हैं हम लोग डालते हैं। ओह ठीक है, ऑटोमेटिक चली जाएगी दोस्तों, हमें सिर्फ सामने जाना, तो ऑटोमेटिक कैसेट ले चुका है। और यहाँ पे फिर से लगता है कुछ तो टीवी चालू हो चुकी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट चालू है, सुन लेते हैं क्या बोल रहा है ये। बोल रहा है पॉपी एक बहुत ही अच्छी डॉल है, पर हम देख के लगता नहीं कि अच्छी डॉल होगी। यहाँ पे बाकी के क्लू ढूंढते हम लोग एस्केप करने के लिए। एक क्लू तो मिला, वो तो था कैसेट, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैं यहाँ पे जाके ढूंढता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। ओ हम लोग, अरे भाई पीछे संभल के, अरे भाई झुक के चल रहा हूँ, पीछे से आके हमें मार के ना चले जाए हमारे ऊपर। एक हाथ बना हुआ था ब्लू कलर का, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। यहाँ पे आगे मुझे एक डोर दिख रहा है दोस्तों, देखते जाके डोर के इधर क्या है करके। यहाँ पे कुत्ता बड़ा हुआ है भाई, और उठा सकते हैं हम लोग उसको, नहीं उठा रहे। यहाँ पे कुछ तो कोड बना हुआ है दरवाजे पे, इसको अनलॉक करने के लिए हमें इसके लिए क्लू ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसका क्लू ढूंढेंगे हम लोग, यहीं पे कहीं पे इसका क्लू होना चाहिए। सामने एक और डोर है, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें। ये आ चुका हूँ मैं डोर के इधर, और यहाँ पे कुछ तो आवाज़ आ रही है। तो डब्बे खाली, सब के सब डब्बे खाली है। ऊपर एक ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है। तो हम देखते हैं ट्रेन के ट्रैक पे चढ़ के, देखते हैं भाई है क्या ये चीज़ आखिर में, चढ़ के देखेंगे हम लोग अच्छे से क्या है कोड उसका। और अब ध्यान से देखो दोस्तों, इस ट्रेन के कलर्स देखो, कुछ कुछ बटन से मैच खा रहे, क्या पता यही कोड हो उसका। हमें अच्छे से देखने के लिए इसके मतलब जंप करके एकदम ध्यान से सब कलर्स देखने पड़ेंगे ताकि हम अनलॉक करने में काम आए हमारे।
अरे यार मैं चढ़ ही नहीं पा रहा, किधर गया? यहाँ पे कुछ तो ग्रीन कलर के डिब्बे हैं, पहला डिब्बा तो ग्रीन कलर का है। अरे यार क्यों पहुंच नहीं पा रहा मैं, लगता है यहीं से खड़े खड़े मुझे देखना पड़ेगा। साला कि जंप मारने को जाओ, जंप ही नहीं कर पा रहे हम लोग, कर जंप। अरे यार ये कुछ फायदा नहीं जंप का, टेबल पे खड़े होके देखो। पहला कलर तो ग्रीन है, फिर पिंक, येलो, रेड। ओके तो हमें तय, मतलब अपने कलर हमें एकदम मतलब सुन लिए, ध्यान से देख लिए, हम जाके देखने वाले हैं कहीं यही कोड तो नहीं। ये रहा यहाँ पे डब्बा, चलो डब्बे के पास। पहला था कलर ग्रीन, उसके बाद था पिंक, मतलब पिंक येलो रेड। खुल गया, खुल गया। अरे दोस्तों खुल गया, फाइनली गेट खुल चुका है, हम चलेंगे आगे। दूसरा रूम आ चुका है, यहाँ पे बहुत सारे टीवीज लगे पर सबके सब बंद है। और यहाँ पे एक और डीवीडी, ओके हमें ब्लू कलर की डीवीडी उठा कर डालनी है इसके अंदर, तो हम डाल देते हैं। फिर देखते हैं टीवी पे क्या दिखा रहा है, क्या समाचार आ रही है टीवी के ऊपर। तो इन्होंने कुछ तो ग्रैब पैक के बारे में बता रहे हैं, आर्म्स के बारे में। अच्छा तो हमें इस आर्म्स को पहनने हैं ऐसे, रेड कलर का एक ब्लू कलर का आर्म्स है। तो दोस्तों सारा ट्यूटोरियल हमें पूरा के पूरा देखना पड़ेगा, और इसमें दिखा रहा है कि रेड और ये ब्लू आर्म्स है, हमें सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स उनको पकड़ने के लिए या फिर इधर उधर फेंकने के लिए काम आएंगे। तो ये ट्यूटोरियल ऐसा अपने पीठ के पीछे दोनों के दोनों आर्म रहेंगे। ये हमारा भाई दोस्त लोग, हम बोलते हैं ऐसे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते, वैसे ही इस गेम में भी है, हमारे हाथ है कानून के हाथ है, जो कि बहुत बड़े लंबे हैं, बहुत ही लंबे हाथ है हमारे। हम इससे कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आपने कुछ देखा रहेगा, एक हाथ से देखा दूसरे हाथ से वो ट्रांसफ़र कर रहा था, वो भी हम कर सकते हैं इस गेम के अंदर। और यहाँ पे हो चुका है लॉय टाइम कुछ तो, और इस यहाँ पे कांच के अंदर कुछ तो चीज़ मुझे दिख रही है हाथ जैसी। दोस्तों ये रहा हमारा, इसी पैक के ऊपर ट्यूटोरियल था हमारा, तो चलो पेन लेते। अरे अरे पेन पेन क्यों नहीं पा रहा मैं, पेन लिया तो हमें एक हाथ। अरे यार हम तो एक हाथ के बन गए, पहले हम थे ठाकुर, अब हम एक हाथ वाला आदमी बन चुके हैं। एक हाथ हमें मिल चुका है, मुझे पता है ये ब्लू हाथ हमें यहाँ पे काम आने वाला है, ब्लू कलर का। यहाँ पे ऊपर टच करने से शायद ये दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा, हो चुका है अनलॉक। अभी हम अपना हाथ हटा ले। अरे ओपन हो, क्यों नहीं हो रहा ओपन, फिर से टच करके देखता हूँ। हाँ हो गया, हो गया, फाइनली हो चुका है ओपन। चलो चलते हैं, और सामने एक क्या खड़ा है भाई, अमिताभ बच्चन। मतलब अमिताभ बच्चन इतनी हाइट है इसकी, क्या है ये इतना लंबा सा। और हेलो कैसा है भाई, छू के देखो, छू के। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो कैसा है। हाँ ऑगी दिख रहा है भाई दोस्तों मेरे को एकदम, ऑगी लंबा वाला ऑगी। हाँ हाइट में एकदम लंबा लंबा ऑगी, एकदम ऑगी पार्ट टू। यहाँ पे एक और ब्लू कलर का हैंड, चलो उस पर मतलब हैंड बना हुआ है, चलो फिर से ये भी। यहाँ पे कुछ तो गया, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। शायद इस गेट के अंदर कुछ क्लू हमें मिल सकता है दरवाजे के अंदर। यहाँ पे कुछ सब जगह देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे। और ओके ओके चाबी है यहाँ पे, चाबी ले लेंगे हम लोग। ए चाबी छोड़, चाबी छोड़, चाबी ले लिया हमने। यहाँ पे दो हाथ सामने बने हुए हैं, यहाँ आजू बाजू देख रहा हूँ मैं कहाँ जाना है हमें। अरे यार कहाँ जाऊँ, इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो आ चुके हम लोग इस गेट के अंदर। अरे अरे सॉरी, तो फिर मैं पागल हो जाए, वापस पीछे आ गया। हमें जाना है दूसरे गेट की तरफ, यहाँ पे शायद एक और गेट की तरफ होना चाहिए जाने के लिए। कहाँ है ये, यहाँ पे है कुछ, कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई। जाने का रास्ता किधर है, ऊपर से जाऊँ कि नीचे से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। वहाँ पे दोनों हाथ बने हुए हैं, तो एक हाथ से तो खोलने वाला है नहीं ये। यहाँ पे ओके, यहाँ पे मुझे मिल चुका है बोनर का कुछ तो था, वो बोनर था, डोर था, क्या था मुझे पता नहीं, कुछ तो था। यहाँ पे मुझे ढूंढना है कुछ ना कुछ, यहाँ पे क्लू होना चाहिए। यहाँ से रोशनी आ रही, देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। हाँ कुछ नहीं, यहाँ साइड में कुछ तो है। अच्छा यहाँ पे डोर बना हुआ है, चलो खींचो भाई इसको। डोर को खींचा, यहाँ पे लाइट जल रही है, चलो टच करते। ओके हमारे हाथ में आ चुका है लाइट, अब हम बन चुके हैं थॉर। अब ये थॉर बनेगा, थॉर अपना लाइट पास करेगा इधर से मतलब आगे तक। यहाँ पे एक पे जॉइंट हो चुका है, यहाँ पे एक और पोल था मैंने देखा था कहीं, तो ये रहा पोल, यहाँ पे जॉइंट करते हैं। ओके जॉइंट करने से कुछ तो आवाज आई मुझे, कुछ तो ओपन हुआ रहेगा, कुछ तो हुआ है। अरे यहाँ पे डॉल किधर गई दोस्तों, डॉल हो चुकी है गायब। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, डॉल कहाँ गई, कहाँ गई डॉल। इंडिया वॉन्ट्स टू नो कहाँ गई डॉल, कहाँ है डॉल।
यार कुछ हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। अरे कुछ तो आवाज तो आई थी मुझे। अभी हमें किधर जाऊं यहाँ पे? ओके ढूंढो कुछ तो, ढूंढो कुछ ना, कुछ तो क्लू होना चाहिए यहाँ पे। फिर से चलता हूँ इस टावर के अंदर। यहाँ पे हैंड बना हुआ है, खुलेगा क्या? अरे हाँ, हमें यही तो खोलना था दोस्तों, यही तो खोलना था यार। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, यही तो खोलना था मुझे दरवाजा। चलो चलते हैं इसके अंदर। भाई कोई पीछे से आ तो नहीं रहा? मुझे आवाज आ रही, धक धक करने लगा मेरे को तो। कुछ ना कुछ तो आवाज आ रही है मुझे पीछे से। यहाँ पे बे टू लिखा है। चलो चलो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे पानी गिर रहा है दोस्तों, पानी लीकेज की प्रॉब्लम है। ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है यहाँ का। मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा है, मुझे मेरा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे आवाज आ रही है। कोई पीछे मुड़ के देख लेता हूँ एक बार। कोई नहीं, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो आगे, कोई नहीं है हमारे पीछे। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरे को लगता है हनुमान चालीसा बोलनी पड़ेगी गेम खेलते खेलते। यार कुछ तो पड़ा है जमीन को जिसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन कलर की डीवीडी बनी हुई है पर मुझे कुछ मिला नहीं है ग्रीन कलर का। देखता हूँ डब्बे में, डस्टबिन में कुछ पड़ा हो। कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। ये हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सामने कुछ तो पड़ा हुआ, चमकती हुई चीज़। ये क्या है? ब्लू कलर का कुछ तो है यहाँ पे। इसको उठा लिया मैंने। और यहाँ पे पीसी, यहाँ पे कुछ तो पीसी बना हुआ है बड़ा सा। यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ बैटरी। ओके ओके बैटरी थी, हमें यहाँ पे एक बैटरी मिल चुकी है दोस्तों। अभी हमें तीन और बैटरी ढूंढनी पड़ेगी। चलो फाइनली हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। चलो ढूंढते हैं बैटरी। बैटरी कहाँ है भाई? कहाँ है बैटरी? बैटरी कहाँ है तू? यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या है? नहीं ये बैटरी तो नहीं है, कुछ और ही है वो। फिर से ढूंढे के यहाँ पे आसपास में कहीं तो कुछ ना कुछ तो बैटरी होनी चाहिए, कुछ तो चीज़ की। ओके येलो चमकती हुई चीज़ एक और मिल चुकी मुझे यहाँ पे। येलो कलर की चीज़ थी ये, बैटरी थी। अभी हमें दो बैटरी और चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आजू बाजू में कहीं पे कुछ है क्या? ऊपर नीचे देखता हूँ ज़रा, शेल के ऊपर कहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। देखना पड़ेगा ऊपर नीचे सब जगह। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार। दो दो बैटरी और चाहिए। यहाँ पे दिख कुछ नहीं रही मुझे। कुछ तो चमकती हुई चीज़ दिखी थी मुझे। यहाँ चढ़ के देखना पड़ा। ऊपर रेड कलर की बैटरी, रेड कलर की बैटरी मिल चुकी है हमें। ऊपर रेड कलर की बैटरी है। ओ भाई मैं किधर जा रहा हूँ? यहाँ पे ओके, हमें दोनों के दोनों बैटरी मिल चुकी है दोस्तों फाइनली। ये है हमारी ग्रीन कलर की बैटरी और वहाँ ऊपर सामने है रेड कलर की बैटरी में दिख रही है। चलो जाके इस रेड कलर की बैटरी को भी ले लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलो भाग भाग के भागो, भागो दोस्तों भागो। हमें तीनों के तीनों बैटरी मिल चुकी है। तो भाई रास्ता किधर गया? अभी ऊपर कहाँ से जाऊँ? रास्ता किधर है? रास्ता रास्ता यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। एक गेट से जा सकते हैं हम लोग? देखना पड़ेगा। देखता हूँ खोल के गेट खुलता है क्या। हाँ खुल गया, गेट खुल चुका है दोस्तों फाइनली। अब हम जाएंगे सीधा इस गेट के अंदर और ऊपर जाके तीनों के तीनों बैटरी प्लेस करके देखते हैं कि होता क्या है आखिर। यहाँ पे हम तीनों बैटरीज डाल देंगे। एक कुछ तो मूव हो रहा दोस्तों, मशीन गई है सामने की तरफ। वहां से क्या लेके आएगी देखते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ तो लेने गई है मशीन अपने आप। ये हमारे लिए कुछ तो लेके आई है। इसके अंदर हैंड है दोस्तों, इसके अंदर है रेड कलर का हैंड जो कि हमें चाहिए था। अब हम हाफ ठाकुर से फुल इंसान बनने वाले हैं। पहले अब हम एक हाथ पे जीते, अब हमारे पास दोनों के दोनों हाथ आ चुके हैं और इसी दो हाथों से मैं सामने का डोर ओपन करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे प्लेस करूँगा अपना ब्लू हैंड, फिर रेड हैंड। ओके उल्टा कर दिया मैंने, फिर रेड हैंड, फिर ब्लू हैंड। होता है दोस्तों, होता है, कन्फ्यूजन तो होता है सब किसी की लाइफ में। ये हो चुका है हमारा दरवाजा ओपन। चलते हैं इसके अंदर। अरे ओ भाई इतनी स्पीड, यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ पे साइड में देखते जाके कुछ है क्या? रास्ते बने हुए आधे टेढ़े, ऊपर नीचे सब जगेंगे। यहाँ पे साइड में ओके ओके यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर है, हमें फिर से करंट पास करना पड़ेगा।
पर एक करंट कहाँ पास करूँ देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर एक और रास्ता था, ओके यहाँ से फिर ओके यहाँ पे बी टू लिखा हुआ है, मतलब वहाँ की हमें बैट वहाँ का करंट हमें यहाँ तक लाना होगा। तो दोस्तों हमें उस बैटरी के दोनों के पॉइंट को ज्वाइंट करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ से पहले बैटरी ले लेता हूँ। ये मैंने बैटरी ले ली अपने हाथ पे, चलो चलते हैं लेके बैटरी। हमारा हाथ लगता है बहुत लंबा नहीं है, अरे यार नहीं हमारा हाथ लंबा है ही नहीं, कुछ और टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ेगी लेके जाने के लिए। हाँ क्या करें कैसे लेके जाए, चलो ढूंढते कोई ना कोई तो रास्ता हमें मिलेगा। यहाँ पे आया मैं, ओके यहाँ पे मेरे को दोनों पॉइंट दोस्तों दिख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट वन पॉइंट बी दोनों के दोनों मुझे दिख रहे हैं। शायद मैं यहाँ से ऐसा बिजली लेके या इस पोल से उतर जाऊँ, यहाँ यहाँ पे करंट आ गया और यहाँ पे जाऊँ। आ गए आ गए आ गए, अब मैं दूसरा हाथ टच करता हूँ, यस फाइनली फाइनली डोर ओपन हो चुका है। ये ओपन हो दरवाज़ा, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो ओपन। ओके ऑटोमेटिक जा रहे हैं भाई हमें, ओए कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, ओए अब एक गुफा हमें कहाँ पर लाके छोड़ेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे नीचे जाते हुए ओ भाई डर लग रहा मुझे तो, क्या साउंड दोस्तों साउंड, अरे अरे क्या गिरा, ओ भाई टॉय गिर रहे हैं मेरे ऊपर यार, डर गया थोड़ी देर के लिए मैं तो, आत्मा मेरे मुंह से बाहर निकल के फिर से मेरे बॉडी में चली गई। यहाँ पे एंडिंग है, हम यहाँ से उतर जाएंगे नीचे, ओए जम कर जम करो। हम आ चुके हैं फिर से एक नई जगह पे, यार दिखने में तो बहुत मस्त जगह लग रही है यार। यहाँ पे कुछ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टनल बनी हुई है, कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, सामने एक डोर बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा पढ़ते हैं हम लोग। नो बड़ी लिव्स विदाउट अ टॉय, अच्छा टॉय इसका मतलब है यहाँ पे राइट साइड में जो डब्बा बना वहाँ पे मुझे टॉय रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो चलते हैं सामने की तरफ, यहाँ पे बटन बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करके देखते कुछ होता है क्या। बटन प्रेस हो कुछ नहीं हुआ, लगता है यहाँ पे पावर देनी पड़ेगी हमें पहले, यहाँ पे वायर यहाँ से। तो दोस्तों अभी इस वायर्स में करंट है नहीं, तो हमें पहले करंट देना पड़ेगा। करंट के लिए ऊपर कहाँ पे तो सीढ़ी है, यहाँ पे आगे सीढ़ी से जाते जाके देखते हैं सीढ़ी के ऊपर क्या आ रहा है। हम सीढ़ी से चढ़ते हैं अभी ऊपर, बहुत ही ज्यादा भूतिया गेम है दोस्तों, वो तो अच्छी बात है कोई भूत हमारे पीछे पड़ा नहीं अभी तक, पता नहीं पर मैं अभी बोल रहा हूँ पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ जाए। यहाँ पे फिर से हमें वही कनेक्शन वाला ज्वाइंट करना है, यहाँ पे सामने है, इसको मैंने यहाँ पे खींचा, ग्रिल आई, अभी यहाँ पे मैंने इसको टच किया, चलो हमारे हाथ में आ चुका है थॉर, अभी हम थॉर चुके हैं। चलते हैं आगे, यहाँ कनेक्ट करके आगे गया, और यहाँ से फिर से यहाँ पे आके सेकंड लेयर खींचा मैंने, चलो फिर से यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, यहाँ से स्लोली स्लोली मूव करूँगा मैं, स्लोली स्लोली आगे जाके, आगे गया यहाँ पे, इसको कनेक्ट किया सेकंड पोल को, और यहाँ पे आगे आ रहा हूँ मैं, भागते भागते आया, यहाँ पे टच कर दो, टच कर दे भाई, टच कर दिया। ये अभी करंट जा चुका है नीचे, अभी हो जाएगी हमारी सारी मशीन जो बंद थी वो अभी चालू होने वाली है। ये आ चुके हम नीचे, अभी यहाँ पे पावर ऑन दिखा रहा है, किया चालू, कुछ तो आवाज आ रही है, वो मशीन चालू होने की आवाज आ रही है। ओ भाई मशीन देखो, आंखें निकल आई मशीन की, ऐसे घूर घूर के देख रही है, साले आग दिखाता है, आग दिखाता है मादर जात, आग दिखाता है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या अभी नया शुरू हुआ है, यहाँ पे रेड करके बैंड बने हुए हैं, शायद हमें खींचना होगा, हाँ खींचना है, सबको खींचेंगे हम लोग एक एक करके। ये थर्ड वाला, जैसे ही लीवर नीचे खींचते हैं हम लोग टॉय है बढ़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे सब टॉयज के पार्ट्स इस मशीन से होते हुए जा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो मशीन से अंदर चले चुके हैं, कुछ टॉयज के पार्ट्स गए हैं इसके अंदर, और यहाँ से होते हुए यहाँ शायद वो यहाँ से आएंगे वो टॉयज अभी बाहर। आजा आजा ओए आजा, कुछ नहीं आ रहा टॉयज बाहर क्यों नहीं आ रहा, आया कुछ तो बन के रेडी, थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पे आ चुका है, टॉयज के पार्ट्स यहाँ से आ चुके हैं, अभी यहाँ से फिर से इस मशीन के अंदर जाएंगे।
मुझे लगता है इस मशीन के अंदर जाके पूरा असेंबल होने वाले हैं लोग। फाइनल स्टेप लगता है मुझे इस मशीन का यही होगा कि टॉय से जाएंगे और वहाँ यहाँ जो सेकंड साइड दिख रहा है येलो कलर का डब्बा, इस डब्बे के अंदर से पूरा एक टॉय बन के बाहर आएगा। जल्दी आ जा भाई, कितना टाइम लग रहा है टॉय बनने में। आजा आजा, ये पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहा है टॉय बाहर आने में, पर ट्राई करेंगे। जल्दी आ जाए भाई, आ रहा है टॉय, आ रहा है। देखते हैं हमें कौन सा टॉय है ये। एक शेर आया है भाई दोस्तों, शेर का बच्चा आया, इसको कलेक्ट कर लेंगे हम लोग फटाक से। ले लिया हमने, ले लिया टॉय का बच्चा। अब यहाँ पे जाकर टॉय रखने वाले हमें, टॉय रख दो, टॉय रख दो, टॉय रख दिया मैंने। और ये गेट अभी हो चुका है ओपन, ये गेट खुलता हुआ। चलो सामने चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई भागो 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 भागो। ओ भाई क्या आ गया, ओ भाई राक्षस आ गया भाई। अरे डॉल तो चलता नहीं था, ये तो चल कैसे रहा है। अरे यार तो चल क्यों रहा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अरे यार तो मेरे पीछे ही पड़ गया, हाथ धो के, हाथ मुंह सब धो के मेरे पीछे पड़ चुका है ये। हम भागेंगे यहाँ से, भागेंगे, भागो भागो भागो। अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया। यहाँ पे गेट दिखा था मुझे, गेट से चलो चलते सीधा, मुझे गेट दिखा था ये, यहाँ से चलो 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 भागो भागो। यहाँ से कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ, लेफ्ट जाओ, राइट राइट राइट। वो हमारे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहे हो। अरे आ गया, आ गया, आ गया, बाजू में गेट, कहाँ जाओ, भागो 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 भागो, यहाँ से भागो। अरे भाग गया, अरे अरे ऊपर ऊपर साइड साइड, नीचे जाओ, नीचे 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 नीचे, भागो भागो, बिना रुके भागो, भाग मिलकर भाग 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 भाग। रुक रुकना ही नहीं है, किधर किधर रुकना ही नहीं है हमें। यह किधर आया ये, अरे साइड में दौड़ता, साइड में दौड़, भागो भागो। अरे चलो चलो भागो भागो भाई, रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है कहीं पे। यहाँ पे एक और गेट है लेफ्ट में। अरे नीचे उतर, उतर उतर, हाँ उतरा उतरा, नीचे उतर गया। चलो एक गेट ओपन हो, ये आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है, ओपन 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 हो गया ओपन। आगे जाते हुए साइड में डोर से निकल रहे हो बाहर हम लोग। ये बाहर हो चुके, बाहर आ चुके। यहाँ पे क्या, डब्बा पकड़ो, डब्बा पकड़ो, डब्बा पकड़ो। ए भाई ए पकड़ पकड़, डब्बा पकड़ भाई, डब्बा पकड़। हाँ ए क्या हुआ, ये डब्बा घिर, ये डब्बा को कुछ नहीं हो रहा। आ गया, आया आया, ओ भाई गॉड, हो भाई मैं तो एक बार डर ही गया, इतना जोर से भाग के वो आया मेरे पास। चलते फिर से आ चुका है ये हमारे पीछे। अब मुझे रास्ते मुझे याद है कहाँ कहाँ मुझे जाना है, मुझे रास्ता पूरा एकदम अच्छे से याद है। अब मैं बिना डरे जा सकता हूँ, रास्ते सारे रास्ते मुझे याद है, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ नहीं जाना सब मुझे याद है। अरे भाग, अरे अटक गया, अटक गया, अरे मैं अटक गया। अरे मोबाइल में खेलो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ग्लिच आएगा, थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी। अरे भाग, पकड़ लेगा, पकड़ लिया यार, पकड़ लिया। ऐसा ऐसा पकड़ता है, हार्ट अटैक ही आ जाए भाई बच्चे को खेलते खेलते। चलते हैं फिर से आगे, मुझे शायद रास्ते तो याद है। अब मेरे को डर नहीं लगता इससे, अब मैं डरूंगा ही नहीं इससे, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। दोस्तों आपको पता है हॉरर गेम्स या मूवीज़ की सबसे बेस्ट बात क्या है, उसमें हमें म्यूजिक से डर लगता है। जो म्यूजिक देता है वो डरावना है। अगर आप कोई भी पिक्चर या गेम मतलब हॉरर मूवी म्यूट में देखो, घंटा आपको डर नहीं लगेगा, घंटा डर नहीं लगने वाला है आप लोग को। ये आ चुका मैं फिर से साइड में। अरे भाग मेरे भाई, रुकना नहीं, भाग रहा हूँ मैं पूरी अपने जीन और जान जो भी लगाना होता है लगा के भाग रहा हूँ। यहाँ पे बाहर निकल के आया साइड में, चलो भागो, ओपन हो, वो यहाँ आ रहा है। अरे यार ओपन हो गेट, ओपन हो साले, ओपन होता ना, हाँ हो गया ओपन। भाग के चलते सीधा एस्केप, इस बार मुझे पता है क्या करना है मुझे। वो डब्बा लास्ट टाइम घिरा नहीं था, इस बार घिरा के छोड़ेंगे डब्बे को, टच करेंगे डब्बे को। ओ हो जा, टच टच हो जा, टच क्या, अरे टच हो टच, घिरा डब्बा, आया गया ओके। मुझे ब्लू कलर का, वो दोस्तों मैंने टच करके रखा था अपना हाथ, मैंने दबाया नहीं था, मतलब खींचने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता हैंड पे, वो मैंने किया नहीं था लास्ट टाइम, इसलिए मैं डब्बा घिरा नहीं था इसलिए। अब चलते हैं, यहाँ पे सीढ़ी आ चुकी है। अब ये सीढ़ी हमें कहाँ तक पहुँचाएगी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है।
दोस्तों सामने फ्लावर दिख चुका है मुझे, मुझे फ्लावर दिख चुका है जो इस गेम में मतलब दिखा हुआ था फाइंड द फ्लावर, और वो फ्लावर हमें फाइनली मिल चुका है। अरे भाई मेरा हाथ क्यों, हाथ अटक गया, आ गया हाथ ही अटक गया था मेरा। यहाँ पे सामने देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा फ्लावर बना हुआ रेड कलर का बहुत बड़ा, देखो हमें वहां पर ही जाना है। यहाँ पे साइड में रास्ता बंद, ऊपर चलो, यहाँ पे देखना पड़ेगा वहाँ, यहाँ पे साइड में क्या है, बंद रास्ता है, कोई बात नहीं, चलो ऊपर चलते हैं। हमें इस रेड फ्लावर के पास जाना है, जो हमें हिंट था स्टार्टिंग में फाइंड द रेड फ्लावर, वो यही फ्लावर है। अब जाके देखते हैं इसके अंदर क्या हमें मिलने वाला है। अरे भाई तो बहुत ही ज्यादा शांत जगह है दोस्तों, बहुत ही शांत जगह है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, पता नहीं क्या, पता नहीं कुछ ना कुछ निकल जाए यहाँ से। सामने तो बहुत डिसेंट घर लग रहा है यार, लगता है यहाँ के ओनर्स का, लोग यहाँ पे जो ओनर्स थे उनका बेड है। इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं खुलेगा, नहीं खुलता है वो, कोई बात नहीं, दूसरा कोई देखते हैं हम लोग। ये भी ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं खुल रहा है क्या? सब के सब बंद है। हाँ सब के सब बंद है। ये भाई रेड रूम क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये रेड रूम क्यों हो रहा है? खोलते हैं। ओके सामने कुछ डॉल पड़ी है। ओके दोस्तों यही वो एनाबेल डॉल, यही है एनाबेल डॉल दोस्तों, यही है। ओ भाई कितनी शांत लग रही है। यहाँ पे गेट क्या बना हुआ है? गेट बना है, खोल दूँ क्या इसको? खोलू 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 खोलू, खोल देता हूँ। अरे अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया दोस्तों? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।